तो थ्योरी में आपका एम्ब्रॉय से भी क्वेश्चन आता है न्यूर एन एड से भी आता है बेसिक एन एड से भी आता है तो आपको अगर आपको थ्योरी पे फोकस करना है तो बी डी चौरसिया इज द मेन की उसी को आपको रीडिंग करना है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है अच्छे से दिया हुआ है मसल अटैचमेंट हो गया आर्टेरियल सप्लाई हो गया वेनर सप्लाई हो गया सब बुक में अच्छे से दिया हुआ है सर क्लास में पढ़ाएंगे उसके बाद जाके बुक से रीडिंग करनी ही करनी है एंड अगर आप एक बार पूरा प्रल्लिम पढ़ लिए फिर आपको लग अगर आप भुला गए हैं तो आप वापस से रिविजन करिए आप चाहें तो एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं ये सब और आप हाँ क्वेश्चन लिख कर खुद से आप आंसर लिखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि हमेशा यही प्रॉब्लम हो जाती है कि याद नहीं रहता या फिर तो आप निमोनिक बनाइए या तो आप चार्ट जो रूम में चिपका दीजिए कैसे भी करके आपको मेमोराइज करना है एंड हाँ लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तो आपको थ्योरी बहुत अच्छा जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आते हैं यूनिवर्सिटी में एंड सीनियर से जरूर गाइड करिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है क्योंकि सब कुछ सब लोग नहीं कवर कर पाते लास्ट मोन में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना होता है लेकिन रीडिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा जितना आपके पास टाइम है यूटिलाइज